दोस्तों, अभी अभी जो आपने वीडियो देखा, वो वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? यकीनन बहुत ज़्यादा आपको दुख हुआ होगा, आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। आदाब दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त कमर, आप देख रहे हैं देसी टीवी भारत। आज हम बात करने वाले हैं आज़ाद भारत में अम्बेडकर की क्या है दुर्दशा, क्योंकि दोस्तों जो वीडियो आपने देखा उसमें साफ तौर पर अम्बेडकर साहब को अपमानित किया गया। और मुझे गर्व हो रहा है ये बताते हुए कि आज मैं अंबेडकर पार्क में मौजूद हूं, जिसे मायावती ने बनाया था। इसलिए ये प्रोग्राम मैं यहां से कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से बाबा साहब की मूर्ति के साथ अपमान किया गया दोस्तों, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे ये बताते हुए। जानते हैं आज का दिन बहुत खास है, आज है 20 मार्च। 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने महाड़ जल सत्याग्रह किया था। जानते हैं क्या था ये? ये था कि साफ पानी पीने का अधिकार उन्होंने दलित भाइयों को दिलाया था। तालाब में कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे, लेकिन इंसान नहीं पी सकता था। वो इंसान जिसे नीच माना गया, जिसे शूद्र माना गया, जिसे अछूत माना गया, सोचिए ये कैसी मानवता है, जहाँ पर इंसान को इंसान से ही बांट दिया गया है, जाति के आधार पर उन्हें बांट दिया गया है। और इसी का लगातार बाबा साहब ने हमेशा से विरोध किया, चाहे वो पेरियार हों, फुले हों, अम्बेडकर हों, कांशीराम हों, मायावती हों, तमाम दलित नेता इस बात को लेकर लगातार विरोध करते रहे कि उन्हें आज तक वो दर्जा नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। तो दोस्तों, आखिर बाबा साहब को जब पूरी दुनिया आज नमन कर रही है, तो क्यों बाबा साहब की कहीं पर मूर्ति तोड़ दी गई है, कहीं पर मूर्ति के साथ अपमान किया गया है, और कहीं पर बाबा साहब की मूर्ति को काले झंडे दिखाए गए हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर बाबा साहब की मूर्ति कहाँ पर तोड़ी गई। तो देखिए, आजमगढ़ ज़िले के निज़ामाबाद में अराजक तत्वों ने तोड़ी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, तो सोचिए। और दलित समाज के लोगों ने इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर दिल्ली की है, दिल्ली का एक इलाका रोहिणी सेक्टर 18, जहां पर रिसर्च होता है बाबा साहब के बारे में। और देखिए बाबा साहब की यहाँ पर विशाल काय प्रतिमा लगी हुई है, यहाँ पर कुछ मनुवादी वहाँ पर काले झंडे उन्हें दिखा रहे हैं। आप सोच सकते हैं, उस वीडियो पर मैं बात करूंगा, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो खबरें आप सुन रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? क्या आज़ाद भारत में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है, इसे पूरी दुनिया नमन करती है? उस बाबा साहेब को अपमानित कौन लोग कर रहे हैं? दोस्तों, ये लोग गद्दार लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, ये दंगाई लोग हैं, जो लगातार बाबा साहेब को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और देखिए, बाबा साहेब ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन दोस्तों एक बात जो दलित भाई लगातार, बहुजन जो हैं लगातार उसे अपने दिल से लगाते हैं, वो ये कि पढ़ो पढ़ो, सबसे बड़ा हथियार है तालीम, शिक्षा, एजुकेशन, तभी आप आगे बढ़ोगे। ये वीडियो आप देखिए, आखिर में दिखा रहा हूँ आपको ये वीडियो, पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ, इस वीडियो का मैं कुछ अंश आपको दिखा रहा हूँ। ये वीडियो दोस्तों उत्तर प्रदेश के, जहाँ पर रामराज है, इस समय मैं उत्तर प्रदेश में ही बैठा हूँ, यहाँ पर प्रयागराज में बाबा साहेब की मूर्ति के साथ इन लोगों ने कितना घिनौना काम किया आप देख सकते हैं। उनको चिढ़ाया जा रहा है, उनको चप्पल से मारा जा रहा है। आप सोच सकते हैं, कोई महात्मा गांधी की मौत पर जश्न मनाता है, कोई बाबा साहेब की मूर्ति को अपमानित करता है, कोई बाबा साहेब को काले झंडे दिखा रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है दोस्तों? ये बहुत गलत परंपरा है। अगर ये शुरू हो गई है, इसे अगर रोका नहीं गया, तो आने वाले दिनों में और भयानक स्थिति पैदा हो सकती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें देश में नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसमें पुलिस को भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों 20 मार्च का ये दिन बहुत खास है, जहाँ पर साफ पानी पीने का अधिकार दिया गया, समानता का अधिकार दिया गया। और ये कैसे हुआ? बाबा साहेब के सपनों का भारत है ये। बाबा साहेब ने जो सपना देखा है, वो सपना पूरा होगा। अगर देश संविधान से चलेगा, तभी सबको न्याय मिलेगा, इसमें आप सबको विश्वास करना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत दुखद थी ये घटना, आज के दिन कम से कम 20 मार्च, जहाँ पर पूरी दुनिया बाबा साहेब को नमन करती है, उस दौर में इस तरह की घटनाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, वाकई बहुत दुख हुआ। ये वीडियो देखकर, ये खबरें सुनकर आपको कैसा लगा, मैं आपकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहूँगा। आपकी राय क्या है, मैं आपको भी जानना चाहूँगा, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे, सहयोग ऐसे मिलता रहे। और हाँ,
अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया। जय हिंद।